भाजपा प्रत्याशी जगदीश देवड़ा ने मल्हारगढ़ विधानसभा की धुंधड़का मंडल के धमनार गुलियाना नेपानिया धमनार हदनुंतिया के साथ दर्जन भर गांवों में जनसंपर्क किया। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी जगदीश देवड़ा ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं। पिछले 10 सालों में हमने इस क्षेत्र का विकास किया, इसी बात का जनता से आशीर्वाद लेने आए हैं। अगर हमने काम नहीं किया तो जनता हमको उतार दे। तालाब हो जाए, स्टॉप डैम हो जाए, सिंचाई का प्रबंध हो जाए, खेती के लिए बिजली मिल जाए अच्छी 24 घंटे, इसलिए सरकार बनाते हैं। सरकार हम इसलिए नहीं बना रहे भाई कि जुलूस निकाल रहे हैं, माला पहन रहे हैं, घूम रहे हैं गाजे बाजे के साथ में। ये तो आपका प्यार है, ये तो आपका प्रेम है, ये आशीर्वाद है, पर सरकार बहुत मन से लोग बनाते हैं। कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। दोनों पार्टी आपके सामने, कौन अच्छा कौन बुरा इसका फैसला करना है। ये बड़ा काम है, इसको हल्के में मत लेना। मैं गांव में यही कह रहा हूं कि फैसला करना भाई। एक तो वो पार्टी कांग्रेस की जिसने एक सीमेंट का कट्टा किसी गली में नहीं लगाया आज तक, एक सीमेंट का कट्टा कीचड़ समाप्त नहीं किया, पीने का पानी का प्रबंध नहीं किया, अस्पताल नहीं बनाए, तालाब नहीं बनाए, स्टॉप डैम नहीं बनाए, बिजली एक एक घंटा मिलती थी कांग्रेस के जमाने में, दिग्विजय। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास, इस परिकल्पना को पूरा करने का काम हिंदुस्तान की धरती पर चाहे प्रदेश हो चाहे देश की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। विकास को लेकर के और गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर के हम जनता के बीच में आशीर्वाद लेने जा रहे हैं और जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का अपार उत्साह है, अटूट विश्वास है, तो वो मध्य प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मुझे पूरा आशय नहीं, पूरा विश्वास है कि यहाँ के मतदाता, यहाँ की जनता फिर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीता करके मध्य प्रदेश में एक बार फिर और सरकार बनाएंगे। सर, प्रदेश के बड़े नेता हैं आप, माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद दूसरा नंबर आप ही का आता है, कितने विधानसभा सीटों पे आपका फोकस रहेगा मालवा निमाड़ क्षेत्र में? मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सिपाही हूँ, पार्टी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे विधायक बना करके मुझे दायित्व दिया है, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। लेकिन मध्य प्रदेश में मैं ये कहना चाहता हूँ कि 150 सीट से भी ऊपर सीट हम लाएंगे। सर, विधानसभा चुनाव को लेके मुख्यमंत्री का जो चेहरा केंद्रीय नेतृत्व ने प्रोजेक्ट नहीं किया है और बड़े नेताओं में आपसी घमासान मचा हुआ है, ऐसे में क्या आप अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार? शिवराज सिंह जी चौहान हमारे नेता हैं, नेता रहेंगे, नेता थे, लोकप्रिय नेता हैं, और इस सारे विषय पर शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेता है वो शीर्ष नेतृत्व लेता है, लेकिन हमारे बहुत अच्छे लाडले। और मल्हारगढ़ से समृद्ध धनगर की रिपोर्ट।